अगर इसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो उसे खून देने की जरूरत पड़ेगी। तुम पहले से इंतजाम करके रखना। डॉक्टर साहब, हमें राधा देवी के बयान चाहिए। आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, जो हुआ उसकी रिपोर्ट मोहन ने ऑलरेडी लिखवा दी है। अगर ये सब सच हुआ तो हमें सिर्फ इनके दस्तखत चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आज सुबह मेरे पति धनराज ने मुझे डंडे से बहुत बेरहमी से मारा और लहूलुहान कर दिया। पुलिस केस ना हो जाए इस डर से मुझे हॉस्पिटल भी लेकर नहीं आए। लेकिन इस बात की खबर जब मेरे पति धनराज की बुआ के बेटे मोहन को लगी तो वो अपने दोस्त पुरुषोत्तम के साथ हमारे घर पहुंचा और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इस हादसे के चश्मदीद गवाह धनराज की माँ लक्ष्मी देवी, पिता पृथ्वी और बहन पद्मा। जिस डंडे से मारा गया वो भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। राधा जी, आप इससे सहमत हैं? धनराज के खिलाफ फौरन एक्शन लेंगे। पुलिस की मदद के लिए धन्यवाद। नहीं धनराज, तुमने आज जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए था? मैंने उसे सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि मैं उसका पति हूं और मुझे हक बनता है कि धनराज, तुम उसके पति हो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तुम अपनी बीवी को जान से मारोगे। मरती है तो मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। धनराज, तुम इसी वक्त अस्पताल जाओ और राधा से माफी मांगो। क्या हो गया है तुम्हारी अकल को मां? अपने ही बेटे से कह रही हो कि तुम्हारी बच्चलन बहू से जाकर माफी मांग ले? बच्चलन वो नहीं, बच्चलन तो तुम हो जो कल रात एक वेश्या को इस घर में लेकर आए, जिसकी वजह से आज ये सब हुआ है। पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ आ जाए, इससे पहले अस्पताल जाओ और राधा से माफी मांगो। उसे वचन दो कि फिर कभी ऐसा नहीं करो, चाहे तुम पर तरस खाकर वो तुम्हें माफ कर दे। मैं उस औरत से माफी नहीं मांगूंगा। उसकी मेहरबानियों से मिलने वाली आजादी मुझे नहीं चाहिए। पुलिस मुझे हवालात में डालना चाहती है तो डाल लेता हूं। राज, बेवकूफी मत करो। अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में अगर तुम जेल चले गए ना तो मैं तो क्या, मेरा बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मां का कहा मानो, जाके उससे माफी मांगो। पिताजी आप भी? हाँ मैं भी, क्योंकि मैं अपने होशो हवास में बोल रहा हूँ। धनराज, राज तुम्हारे रोने गिड़गिड़ाने से अगर वो अपना बयान वापस लेती है ना तो ही, सिर्फ तो ही तुम बच सकते हो, वरना वरना तुम्हें इतनी बड़ी सजा होगी। मान ले बेटा, जा उससे माफी मांग। मुझे जेल जाना मंजूर है पिताजी, लेकिन मैं उससे माफी मांग के मैं अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता। पूरम, सूरज, मैं जान सकती हूँ तुम दोनों ने अपने पापा के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? वो हमारे पापा नहीं है। ये क्या कह रहे हो पूरम तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो माँ, ये सच है। अगर वो किसी के पापा हैं तो धीरज और मोहन के, हम तो उनके सौतेले बेटे हैं। मैं समझती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम दोनों को तो अब पता चल गया है ना कि उनकी पहले भी एक शादी हुई है और उनके बच्चे भी हैं, इसीलिए ना? और इसलिए भी क्योंकि ये बात हमसे छुपाई गई। ये बात तुमसे छुपाने का कोई मतलब ही नहीं था। जब उन्होंने मुझसे शादी की तब तुम दोनों बहुत छोटे थे, लेकिन मैं तो 20 साल से जानती हूँ कि उनकी पहले भी पत्नी है और बच्चे हैं। ये बात उन्होंने कभी मुझसे नहीं छुपाई। जब आप जानते थे कि उनकी पहले ही शादी हो चुकी है, उनकी बीवी और बच्चे भी हैं, तो आपने उनसे शादी क्यों की? शायद यही एक बात है जो तुम दोनों नहीं जानते और जिसकी वजह से तुम नाराज हो। तुम ये तो जानते हो कि अपनी जान की परवाह ना करके उन्होंने मुझे और तुम दोनों को मौत के मुंह से बचा लिया, खुद जख्मी हो गए। वो 2 महीने कोमा में थे, तभी मैंने रामपुर के पेपरों में इश्तेहार दिया था, लेकिन उनकी पत्नी सीता ने कोई जवाब नहीं भेजा क्योंकि वो अनपढ़ थी और उसके भाई पृथ्वी ने जानबूझकर हमें ना लिखा, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था कि ये रामपुर वापस जाए। ठीक हो जाने के बाद उन्होंने अपने साले पृथ्वी को खत लिखा कि वो अब रामपुर वापस आएंगे, लेकिन उस मक्कार ने हमें ये लिखकर भेजा कि सीता ने अब दूसरी शादी कर ली है
और इन्हें रामपुर वापस जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम भूले नहीं तो तुम्हें याद होगा कि तुम उनसे कितना प्यार करने लगे थे। एक साल बाद हमने शादी कर ली। अब मुझे बता, उसमें इनका क्या कसूर था और मेरी कौन सी गलती थी जिसके लिए तुम हमें माफ नहीं कर सकते? बात माफी की नहीं है मां, बस अब हमारी नजरों में वो हमारे पिता नहीं। इन 20 सालों में उन्होंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी तुम उन्हें अपना बाप मानने को तैयार नहीं हो? सच्चाई जानने के बावजूद भी? सच्चाई तो ये भी है मां कि आज 20 साल बाद पहली बार उनकी बीवी और बच्चे उन्हें मिले। अब उनके प्यार में धीरे धीरे वो हमें भूल जाएंगे। हाँ, धीरज उनका बेटा रहेगा क्योंकि वो उनका अपना बेटा है, अपना खून। हम तो उनके पाले हुए बच्चे बनकर रह जाएंगे, बीवी के पहले पति की औलाद। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है मोहन? तुम्हारा दुख देख कर आता। ये दुख भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। ऐसा मत कहो राधा। तुमने तो मुझे वास्ता देकर कहा था कि मैं धनराज से शादी कर लूं। आखिर तुमने ये वादा निभाया तो ये शादी भी निभा लो राधा। मुझसे जितना हो सकता है मान मैं करती हूँ, लेकिन जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं वो किसी को कैसे दे दूं? क्या नहीं है तुम्हारे पास राधा? प्यार। अब मेरे पास किसी को देने के लिए प्यार नहीं है। वो तो मैं शादी से पहले किसी को दे चुकी थी। प्लीज राधा, ऐसी बातें मत करो, वो सब भूल जाओ, वो वक्त अब गुजर चुका है। तुम भूल चुके हो सब कुछ। अगर भूल गए हो तो मेरे ससुराल जाकर उन सब से लड़ाई करके मुझे हॉस्पिटल क्यों लाए? क्यों तुम चाहते हो कि मैं अपनी जिंदा रहूं? इसीलिए ना कि तुम अपने मुझसे प्यार करते? राधा प्लीज। मोहन, इनसे कह दो कि यहां से चले जाए, मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। राधा बेटी मुझे माफ कर दो, अपने पापा को माफ कर दो। बेटा मैंने उस वक्त तुम्हारी बात नहीं मानी और अपने लालच को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हारी शादी धनराज से करा दी बेटी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उस शादी का नतीजा ये होगा। बेटी मुझे माफ कर दे, अपने पापा से बात करो बेटा, बात करो बेटा। मोहन इसे कह दो ना कि मुझे माफ कर दे। बेटे तुम भी मुझे माफ करना। मोहन, मैंने सुना है कि तुमने इसे उन जालिमों से छुड़ाकर अस्पताल में दाखिल करा दिया। बेटा तुम भी मुझे माफ कर दो। प्लीज सर, पेशेंट को परेशान मत कीजिए, आप लोग बाहर जाइएगा। देखो बेटा, तुम जितनी देर करोगे ना उतना ही तुम्हारा जुर्म बड़ा होता जाएगा। राधा के दिल में तुम्हारे प्रति नफरत बढ़ती जाएगी। तुम्हारे न चाहते हुए भी तुम उससे माफी मांग लो, जिद नहीं करते बेटा। चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, मान लो मेरी बात। चलिए, गुड बाय। मालिक, कुछ पुलिस वाले आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? नमस्कार पृथ्वी जी। नमस्ते। आपके बेटे मिस्टर धनराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट है मेरे पास। क्यों, क्या किया मेरे बेटे? आप जानते हैं पृथ्वी जी, जो हुआ आपके घर में हुआ, और आप लोगों ने राधा के लहूलुहान हो जाने के बावजूद भी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं की। ये काम बाहर के लोगों को आकर करना पड़ा। एंड बाय द वे, राधा ने भी अपने बयान पर दस्तखत कर दिए हैं। साहब, बयान पे दस्तखत किए इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मेरे बेटे ने कोई संगीन जुर्म किया। I'm sorry, पृथ्वी जी,
देखो इंस्पेक्टर, मेरी भी पहुंच बहुत ऊपर तक है। I said I'm sorry. वारंट है मेरे पास। I can't help it. चलो धनराज। जी इंस्पेक्टर क्या कह रहा है, आप समझाइए ना इसे। बेटा तू चिंता मत कर, फिलहाल इनके साथ जा, मैं तेरी जमानत का बंदोबस्त करता हूँ। लौट चलो धनराज। मीता जी आइए आइए। मीता जी आप बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना। सुना है जनार्दन अस्पताल में है, उनकी तबीयत कैसी है? बहुत फिक्र है ना आपको मेरे पति की। क्यों ना हो, वो इतने नेक इंसान है। और आपको नेकी तो छूकर भी नहीं गई। आपने जो घटिया और कमीनी हरकत की है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों, मैंने क्या किया है? मेरा घर जला कर तमाशा देखते और पूछते मैंने किया क्या है। मुझे तो तुम पर उसी दिन शक हुआ था जिस दिन तुम सेंसस ऑफिसर बनकर मेरे घर आए थे मेरे पति के बारे में पूछताछ करने के लिए। मीता जी जरा आहिस्ता बोलिए, घर में और भी लोग हैं। उन्हें भी पता चले तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें जरूरत क्या थी मेरे बेटों के कानों में जहर घोलने की? तुम्हें पता है इसका असर क्या हुआ है? उन्होंने अपने बाप को बाप कहने से इनकार कर दिया है। लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहती कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन तुमने जो भी किया उसने मेरे घर की खुशियां लूट ली। तुमने बेटों और बाप के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो अब कभी टूट नहीं सकती। मेरे बेटों के दिल में अपने बाप के लिए जो मोहब्बत थी उसे तुमने नफरत में बदल डाला। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि भगवान के लिए अब मेरे घर से दूर ही रहना। मदद करते थे पापा, और अब खाने के लिए भी आपको औरों की मदद की जरूरत पड़ती है। मुझसे ही आपकी हालत नहीं देखी जाती पापा। क्या जरूरत थी आपको जनार्दन जी के घर जाने की और उनके बेटों को मोहन और धीरज के खिलाफ करने की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है संजय। ये सब कुछ आप ही का किया हुआ है डैड, सब कुछ आप ही का किया हुआ है। पहले तो आपने सीता आंटी को चिट्ठी लिखी कि आपने जनार्दन जी को बंबई में देखा है, उसके बाद उसका एड्रेस भेजा ताकि वो आकर देखे कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, और उससे भी जब आपका दिल नहीं भरा तो आपने उनके बेटों को सब कुछ बता दिया। डैड ये सब कुछ करके आपको क्या मिला? मैंने सिर्फ सीता की मदद करने के लिए किया है। मदद? उन्हें ये बताकर कि जनार्दन जी ने दूसरी शादी कर ली है? मैंने सीता को ये खबर इसलिए दी ताकि वो अपना हक हासिल कर सके। क्या पृथ्वी का भी कोई हक निकलता है जनार्दन जी पर? क्या उसी हक को दिलाने के लिए आपने पृथ्वी को भी सब कुछ बता दिया? मैंने पृथ्वी को सब कुछ सिर्फ इसलिए बताया है, इस डर से बताया है कि वो कहीं मेरी मां और बुआ पर जुल्म ना करे।
और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है कि तुम सीता के बेटे मोहन को यहां लेकर आए थे। अगर पृथ्वी को पता चल जाता तो वो ये समझता कि मैं जरूर मोहन की मदद कर रहा हूँ उसके खिलाफ। मैं शुरू से ही कह रही थी कि आप इधर की उधर मत किया करो। मैं आपकी हरकतों से पहले से ही वाकिफ था, लेकिन जो जुल्म आपने इन दो परिवारों पर ढाया है ना, उसे देखकर तो मेरा दिल आपको पाप मानने से भी इनकार करता है। ठीक है, अगर मुझसे ज्यादा तुम्हें मोहन का बाप प्यारा है ना, तो उसी को अपना बाप मान लो। तुमने अच्छा किया कि तुम वहां चले गए, राधा को हॉस्पिटल में दाखिल किया, लेकिन मोहन को वहां छोड़कर क्यों आए? राधा वहां अकेली है ना माँ जी, मोहन ने कहा कि मैं घर जाके बता दूं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब पृथ्वी और धनराज ने उसके साथ कोई शरारत की तो? वो सिर्फ बेबस लोगों पर अपनी ताकत दिखा सकते हैं माँ जी, मोहन के तो वो सामने भी नहीं आएंगे और हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं, वहां तो वो पुलिस के डर के मारे फटकेंगे भी नहीं। मोहन को वहां नहीं रुकना चाहिए था, उसने राधा को हॉस्पिटल में दाखिल किया बस, अब वहां रुककर वो कर क्या रहा है? वहां और कोई है भी तो नहीं माँ जी। ये तो और खराब बात है ना, लोग क्या कहेंगे कि पति ने मारा और प्रेमी ने इलाज कराया। तो क्या लोगों की बातों से डरकर वो उस बेचारी को वहां अकेला छोड़ा है? पृथ्वी और धनराज पुलिस से डरते हैं, लेकिन लक्ष्मी को तो वहां होना चाहिए। हाँ, हो सकता है शायद पृथ्वी के डर से वो वहां नहीं आई हो। लक्ष्मी अब पृथ्वी की उतनी इज्जत करती है जितनी दिखावे की होती है, वो पृथ्वी से डरती नहीं है। हाँ, ये तो मैं भी देख रहा था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पृथ्वी ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया और बाहर निकलने ही ना दिया हो। इसका मतलब पृथ्वी कोई चाल खेल रहा है, मोहन को वहां नहीं रुकना चाहिए था। देखो पुरुषोत्तम, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे। तुम अभी वहां चले जाओ और मोहन को लेकर आओ। जी माँ जी। और उसके बाद वो चार नंबर वाले पेशेंट को देखना और उसको दवा देना। हाँ जी। ये जो आपने दवाइयां लिखकर दी हैं, ये यहाँ डिस्पेंसरी में नहीं मिल रही हैं? अजी, केमिस्ट की दुकान यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप गेट से राइट टर्न जाओगे ना, वहां पे केमिस्ट की दुकान है, वहां से ले आइए। ओके, ठीक है, चलो।